Bismillah Rahman Rahim. Assalamu alaikum viewers. Database Management System series के साथ मैं हूँ मोहम्मद सफदर डोगर. तो viewers, आज के lecture के अंदर जो topic हम cover करेंगे वो है जी what is data processing. Data processing क्या होती है? जैसे हमने पिछले lecture के अंदर पढ़ा था कि unprocessed form जो होती है वो हम data कहते हैं. अगर उसी data को हम processed form में ले आएं तो वो क्या बन जाती है? हमारी information बन जाती है. अब ये data processing क्या होती है? Data processing हम कितने तरीकों से कर सकते हैं? तो आइए देखते हैं viewers. The process of converting data into meaningful information is called data processing. Mean के अगर वो process जिसमें एक data को हम useful information में convert करते हैं, उस process को हम क्या कहते हैं? Data processing कहते हैं. Different operations are performed on data to convert into information. काफ़ी सारे viewers operations perform करने पड़ते हैं जिससे हमारा एक data जो है ना वो convert होता है एक information में. The important operation that can be performed on data are कौन कौन से हैं? Arithmetic and logic operation होते हैं. उसके बाद editing, verification, conversion data into acceptable format, transfer of data from one location to another location, classification of data, arrange data into specific order. ये तमाम वो operations हैं जो हमें perform करने पड़ते हैं जिससे हमारा data जो है ना एक useful information में convert होता है. तो डाटा प्रोसेसिंग, जैसे हम कहते हैं डाटा को अगर हम प्रोसेस में से गुजारेंगे तो वो क्या बन जाती है? हमारी इन्फॉर्मेशन बन जाती है. यानी कि डाटे से इन्फॉर्मेशन तक का जो सफ़र होता है उसे हम क्या कहते हैं? डाटा प्रोसेसिंग कहते हैं. जैसे हमारे पास ये कुछ नंबर्स का डाटा है और ये हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन है कि 257 टोटल मार्क्स हैं. तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो प्रोसेस है इसे हम क्या कहते हैं? इन्फॉर्मेशन डाटा प्रोसेसिंग कहते हैं. जैसे इन तमाम नंबरों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें टोटल मार्क्स जो है ना वो मिल सकते हैं. मीन के एक डाटा से इन्फॉर्मेशन तक के सफ़र के दरमियान का जो एरिया होता है उसे हम क्या कहते हैं? डाटा प्रोसेसिंग कहते हैं या डाटा कंप्यूटिंग भी से कह देते हैं. डाटा प्रोसेसिंग, डाटा कैन बी प्रोसेस्ड इन सेवरल वेज डिपेंडिंग अपॉन द प्रोसीजर एंड इक्विपमेंट यूज. देयर आर थ्री वे ऑफ प्रोसेसिंग. डाटा को प्रोसेस करने के कई वेज होते हैं लेकिन ये डिपेंड करता है कि हम किस प्रोसीजर के साथ या किस वेस के साथ हमें डाटा समझने के प्रोसेस करना है. तो उसके लिए हम मुख्तलिफ इक्विपमेंट यूज़ करते हैं. वैसे डाटा को प्रोसेस करने के तीन वेज हैं. नंबर वन आता है मैनुअल डाटा प्रोसेसिंग, मैकेनिकल डाटा प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग. मैनुअल प्रोसेसिंग मतलब जैसे हम मैनुअल डाटा जो है ना वो सेव कर रहे होते हैं या लिख रहे होते हैं. इलेक्ट्रॉनिकली डाटा प्रोसेसिंग हम कोई टूल यूज़ करते हैं. इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग के अंदर कोई सॉफ्टवेयर वगैरह का इस्तेमाल अगर कर लें तो वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग कहलाती है. तो मैनुअल प्रोसेसिंग की बात की जाए, इन मैनुअल डेटा प्रोसेसिंग डेटा इज प्रोसेस्ड मैनुअली विदाउट यूजिंग एनी मैकेनिक मशीन ओवर टूल. यानी कि अगर हम किसी मशीन या किसी टूल के बगैर डेटा प्रोसेस करेंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा? मैनुअल डेटा प्रोसेसिंग कहलाएगा. डेटा ट्रांसफर मैनुअली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. दिस मेथड ऑफ डेटा प्रोसेसिंग इज वेरी स्लो एंड एरर मे अकर इन द आउटपुट. ये प्रोसेस जो है ना व्यूअर्स, ये पुराना प्रोसेस है और ये काफ़ी समझे स्लो है और इसमें एरर आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं आपके आउटपुट के अंदर. मैकेनिकल डाटा प्रोसेसिंग अगर बात की जाए, इन मैकेनिकल डाटा प्रोसेसिंग डाटा इज प्रोसेस्ड यूजिंग डिफरेंट मैकेनिकल डिवाइसेस लाइक कैलकुलेटर. दिस मेथड ऑफ डाटा प्रोसेसिंग इज फास्टर एंड मोर एक्यूरेट दैन मैनुअल प्रोसेसिंग. अगर इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग की बात की जाए तो व्यूअर्स, तो वो अजी इन इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग रेफर टू द यूज ऑफ ऑटोमेटेड मेथड टू प्रोसेस डाटा. इन इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग ऑल ऑपरेशन ऑन डाटा आर परफॉर्म यूजिंग कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर. व्यूअर्स, इसी यानी कि अगर हम किसी सॉफ्टवेयर का सहारा लेकर किसी कंप्यूटर के ऊपर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके, जैसे मुख्तलिफ कॉलेजेस के अपने सॉफ्टवेयर होते हैं, हॉस्पिटल के अपने सॉफ्टवेयर होते हैं या किसी कंपनी के अपने सॉफ्टवेयर होते हैं, वहाँ से अगर डाटा को हम प्रोसेस करेंगे तो वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग होता है. अगर हम एग्जांपल की बात करें व्यूअर्स, जैसे हम कहते हैं इफ़ ए कॉलेज हैव मोर देन 2000 स्टूडेंट एंड ए क्लर्क वांट टू सर्च द रिकॉर्ड ऑफ स्पेसिफिक स्टूडेंट ऑफ क्लास स्टूडेंट दैट हैव एज मोर देन 60 एंड लेस देन 20. उसके बाद है जी स्टूडेंट दैट हैव पास्ड ऑल सब्जेक्ट, यानी कि वो डाटा चाहता है कि जिन्होंने तमाम सब्जेक्ट जो है पास किए हुए हैं. रिजल्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास इन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट का वो अलग से रिजल्ट अगर चाहता है स्टूडेंट का. तो व्यूअर्स, अगर हम इस डाटे को अगर हमने मैनुअली यानी कि सर्च लिखा हुआ है या हमारे पास मैनुअल डाटा स्टोर है तो ये तीनों रिकॉर्ड अगर हमने सर्च करने हैं तो वेरी वेरी डिफिकल्ट हो जाएगा.
बट अगर हम इसकी बात करते हैं मैकेनिकल की, तो वो भी सेम यानी कि मेथड हो जाएगा, यानी कि मैकेनिकल यानी कि वो डाटा जो है ना, हमें कंप्यूटर वगैरह से या किसी डिवाइस के थ्रू डाटा तो सेव कर लिया था या डाटा को अरेंज तो कर लिया था, बट ये तमाम रिकॉर्ड जो है ना हमें ढूंढने काफ़ी दुश्वारी आ सकती है। बट अगर इसी डाटे को हमने इलेक्ट्रॉनिकली यानी कंप्यूटर बेस्ड हमने अगर प्रोसेस किया हुआ है, तो ये तीनों रिकॉर्ड हमें प्रोसेस यानी कि ढूंढने के लिए हमें दिक्कत की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हमने अगर सॉफ्टवेयर किया होगा तो उस सॉफ्टवेयर में से ये तीनों टाइप का रिकॉर्ड, यानी कि ऐसे स्टूडेंट जिनकी एज जो है ना 16 साल से ज़्यादा हो और 20 साल से कम हो, तो हम ईजिली सर्च करवा सकते हैं। तो ये था व्यूअर्स कुछ यानी कि डाटा प्रोसेसिंग क्या होती है, डाटा प्रोसेसिंग के कौन कौन से मेथड्स हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, ओके, अल्लाह।